Hi guys, I'm Shivankutha. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for TestNet 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss about how to score 80 plus marks in TestNet 2023 exam. So guys, ये काफी important video होने वाला है, because अब time आ गया कि आपको test की एक dedicated preparation start करनी है, because July mid हो गया है और आपका exam ये मान लो कि आप Feb के around होगा, तो ज़्यादा time नहीं बचा है, because preparation काफी structured manner में करनी है और काफी डेडिकेटेड मैनर में करना है। सो गाइस, काफी लोग पिंग आ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यार, वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसको अच्छे समझना आप, उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। और अगर आपने उसको फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा। टेस्ट में गाइस मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो कन्वर्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियो मिल रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट काम और करना, हम लोग का टेस्ट का टेलीग्राम ग्रुप है अराउंड 6500 लोगों का, उसको आप जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं। चलो गाइस, सो गाइस अब टेस्ट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लोग पहली बार टेस्ट दे रहे हैं या फिर जिसको जिन लोगों को टेस्ट का आइडिया नहीं है, सभी के लिए बेसिकली ये चीज है कि आपको पहला काम क्या करना है, आपको डिटेल्ड सिलेबस को गो थ्रू करना है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट का सिलेबस क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है। और आपको ऑफिशियल सिलेबस में डिपेंड नहीं होना है, टेस्ट की वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया है गाइस वो इंडिकेटिव है बट रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ठीक है, मतलब वो ऐसे नहीं बोल सकते खाली वहीं से आएगा। कहाँ से आपको रिफर करना है सिलेबस, हम लोगों ने सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो बनाया गया, उसी को रिफर करना, क्योंकि जितने भी नॉन कैट एग्जाम है, नॉट ओनली टेस्ट, सब लोग जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स कहीं से भी कुछ भी आपको दे सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि पीएमसी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, इसमें एलजेब्रा नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट टू लास्ट ईयर 3-4 क्वेश्चन एलजेब्रा के आए थे, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आए थे, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक बार मैं ये बोलूँ, अगर जितने भी नॉन कैट एग्जाम होते हैं आपके, एनमैट स्नैप सिलेबस सबका सेम होता है एग्जैक्टली, बस ये होता है कि अब वेर है थोड़ा जो डिफिकल्टी होता है वो वेरी करता है। तो पहली चीज़ क्या है, आपको डिटेल सिलेबस गो थ्रू करना है अच्छे से कि आपको क्या क्या पढ़ना है सारे सेक्शन का, और ऑफिशियल सिलेबस में डिपेंड नहीं होना है, ठीक है, वो चीज़ है। तो आप देख दोनों चीजें लेना, हमने जो सिलेबस लिखा हुआ है, हमने जो वीडियो बनाया है उसमें ऑफिशियल सिलेबस भी कवर किया है और मेरा वाला सिलेबस भी कवर्ड है उसमें। दूसरी बात क्या है गाइस, देखो टेस्ट क्या है, टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, 100 मार्क्स का टेस्ट का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स में आपका 30 मार्क्स का आता है क्वांट्स प्लस एलआर, 30 मार्क्स का आता है आपका वीआरसी, 40 मार्क्स जो गेम चेंजर होता है वो होता है जीके सेक्शन, जनरल नॉलेज। तो गाइस देखो, जीके करना ही है, उसमें डाउट नहीं है, बट एक बात ये भी है कि जीके अनप्रेडिक्टेबल है, पूरे पूरे आप साल पढ़ते रहोगे उसके भी क्या होता है, जीके में आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओ। तो आपको गाइस क्या करना है, जो एश्योरेंस वाली चीज है 60 मार्क्स, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, इसमें आपको किसी भी हालत 50 से नीचे लाना ही नहीं है, 50+ लाना है आपको इसमें। अगर इसमें आपका 50+ आ गया और जीके में आप 40 में से 30 भी ले आए, तब भी आपका 80+ आ जाएगा। अब 80+ मैंने बोला हुआ है बट डिफिकल्टी डिपेंड होता है, ठीक है, बट स्टिल 80+ लाना इस तरह से बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोग क्या करते हैं, जीके में इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका नॉन जीके में भी नहीं आता नंबर। जैसे काफी बच्चे क्या करते हैं, जीके में 32 लिया है, ठीक है, बट नॉन जीके में उनका 36-37 ही आता है, तो मुझे काफी खराब लगता है, क्योंकि नॉन जीके में वो नया क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। अगर आपने सारी वैरायटी करी है तो आपका आना ही आना है, क्वेश्चन नंबर आना ही आना है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी रखो। और कोई भी वैरायटी आपको छोड़नी नहीं है सिलेबस में, सारा सिलेबस तो करना ही है, सिलेबस के अंदर भी सारी वैरायटी आपको करनी है। ये मत सोचो टेस्ट बहुत बेसिक है, कुछ बेसिक ऐसी नहीं है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, पैकेज बढ़ रहा है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर ज्यादा टफ आया था, लास्ट ईयर भी पेपर बहुत ईजी नहीं आया था क्वांट्स का, अगर आपको ईजी लगा लास्ट ईयर क्वांट्स का तो समझ जाओ उस पर टफ आएगा क्वांट्स, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, ईजी के चक्कर में मत रहो, वैरायटी में देखो। स्टार्ट जीके प्रिपरेशन अभी से, मतलब आप 15 जुलाई मान के चलो राउंड ऑफ, अभी तक जीके प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, 15 जुलाई से जीके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करो जीके में, आप स्टैटिक जीके को खत्म करो किसी भी 30 नवंबर तक। अच्छी बात क्या है स्टैटिक जीके की, कि स्टैटिक जीके चेंज नहीं होता है गाइस, स्टैटिक जीके में हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप अगर कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। स्टैटिक जीके मतलब नेशनल पार्क्स, डैम्स, करंटीज, करेंसीज, कैपिटल्स, ये सब जितना भी है, तो ये आपको पार्ट करके रखना है, बिकॉज बाद में अगर करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा गाइस, क्योंकि उस समय आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, एग्जाम के 20 दिन पहले कोई पीडीएफ मिल जाती है सुलटना शुरू कर देते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि टेस्ट की जीके बहुत ही ज्यादा वाइड रहती है, यूपीएससी वाले काफी बच्चे देते हैं, तो आपको उनके साथ कम्पीट करना है समझ लो जीके में, इसलिए। और स्ट्रेटेजी के जितना वाइड जितना आप टाइम दोगे उतना अच्छा रहेगा, ऑलमोस्ट आप 5-4-5 महीने दोगे स्ट्रेटेजी के में, आपको रेडी जाएगी, बार बार रिवाइज करो, आपका टाइम बच जाएगा, फिर आपको करंट अफेयर्स काफी करनी पड़ेगी,
बस करंट अफेयर्स गाइस बहुत माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है, आप वो सब नहीं चलता कि आपने हेडलाइन पढ़ ली हो गया, ठीक है, आपको बहुत ही अंदर तक पढ़नी पड़ेगी डेली की न्यूज, तब जाके कुछ करंट अफेयर्स से भी होगा। और लास्ट ईयर करंट अफेयर्स मेरे ख्याल से आ गया था, मेरे ख्याल से सीमैट में करंट अफेयर्स ज्यादा आ गया था, इसमें स्ट्रेटेजी क्या आया था गाइस आपको करंट अफेयर्स के लिए व्हाट यू कैन डू। देखो वैसे मैं जीके के लिए बोलता हूँ कि जीके कोर्स कोई अगर हो तो अच्छा है ले लो आप, स्ट्रक्चरल पेशन होती है, ठीक है, बट उसके अलावा भी आपको हम लोगों की डेली रीड्स मैगजीन होती है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री में। यहाँ पे आपको एक मैगजीन मिलती है डेली, जहाँ पे डेली के करंट अफेयर्स होते हैं, आपके वोकैबुलरी एंड इडियम्स होता है और आपके दो आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि गाइस जीके को आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप मंथली मैगजीन से पढ़ सकते हो बट डेली पढ़ोगे तो आपको और माइन्यूटली पता चलेगा। तो काफी लोग ब्रॉडकास्ट इसमें ऐड है, अगर आपको डेली न्यूज मैगजीन में ऐड होना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर पे, ठीक है, ये नंबर है आप मुझे ऐड कर सकते हो, मैं बाद में फिर दिखा दूंगा नंबर लास्ट में। और गाइस मैं आपको ये बोलूंगा, मैंने रूल बना लिया है, चाहे आप कहीं से भी कितनी जीके पढ़ लो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर रिग्रेट नहीं करना है, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन पर मंथ की आप पढ़ लो तो अच्छा आपके लिए। क्योंकि गाइस एक दो जीके कोर्स ऐसा नहीं होता, बिकॉज जीके अनप्रेडिक्टेबल है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। प्रतियोगिता दर्पण थोड़ी डिटेल्ड है बट वो अभी से पढ़ोगे तो यही फायदा होगा, ये नहीं कि एग्जाम के एक महीने पहले चालू कर दिया तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। गाइस अपना टारगेट रखोगे आपको सिलेबस 30 दिसंबर तक कंप्लीट करना है किसी भी हाल में डिटेल्ड मैनर में, उसके बाद आपको कम से कम 10 मार्क देने विद प्रॉपर एनालिसिस तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा और पहले दे सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो मार्क्स देना, डिपेंड करता है सिलेबस कब हो रहा है आपका, ठीक है। बाकी गाइस पेपर देने से पहले कम से कम 4 से 5 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम वेराइटी आती है। ये मैं बोलूंगा टेस्ट के पेपर तो करने ही है, इसके अलावा नॉन टेट और भी जितने होते हैं स्नैप का सीमैट का सबके पेपर आपको करने पड़ेंगे सॉल्व, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एग्जाम जो होता है वो अपने पेपर से नहीं देता है, वो दूसरे एग्जाम से उठा के देता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड मैनर तैयारी करो गाइस, टेस्ट को ऐसा बहुत टफ नहीं है, स्ट्रक्चर मैनर में करा गया तो, स्ट्रक्चर मैनर में नहीं करोगे बार बार रिपीट करोगे गाइस, सच बता रहा हूँ उतना आसान नहीं। सबसे बड़ी गलती यही है कि बच्चों के दिमाग ऐसा कोई नहीं कि माइंड नहीं है आपका, माइंड वाला गेम है ही नहीं एमबीए, एमबीए इज मोर अबाउट कंटेंट, डिटेल्ड कंटेंट प्लस स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज कॉल्ड टू टेस्ट मुंबई, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो आप, माइंड वाला गेम होता है आईआईटी आईएएस, मेनली आईआईटी, ठीक है, वहां पे आपको बहुत करना पड़ता है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर वे में सही डायरेक्शन में सही कंटेंट को प्रिपेयर करना है। काफी लोग रैंडमली करते हैं, यहाँ वहां से देखते हैं पीडीएफ मिल गई ये रटना शुरू कर दिया, वहां से कर लिया, वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा हो, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, ऐसे करोगे तो आपको दिक्कत होती है। तभी मैंने देखा है लोग 3 दिन 4 4 साल से टेस्ट के लिए ही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, आपको नो डाउट टेस्ट आपका नंबर वन प्रायोरिटी है बट टेस्ट के पीछे सिर्फ डिपेंड मत रहो, एनमैट स्नैप सीमैट सारे एग्जाम्स दो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सबको ऑलमोस्ट सेम है। सो गाइस अगर एक ढंग से स्ट्रक्चर में तैयारी करना चाहते हो तो हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है, डेडिकेटेड टेस्ट का बैच, फर्स्ट एंड लास्ट बैच मान लो 23 जुलाई से। एक एक चीज लाइव जूम क्लास में होती है स्ट्रक्चर मैनर में, हम लोग कोई वैरायटी छोड़ते नहीं, हम लोग का तरीका यही होता है कि हम क्लास में इतना करा देंगे ना कि आप अगर प्रैक्टिस शीट नहीं लगाओगे, टॉपिक टेस्ट नहीं लगाओगे, तब भी आप निकल जाओगे आराम से। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चाहे फंक्शंस हो चाहे ग्राफ्स हो, हर एक चीज पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, और चाहे वो वीए हो, वीए में ग्रामर के रूल्स एलआर में सब कुछ, जीके के पेटीएम कॉन्टेस्ट वगैरह सब होता है, एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है और एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग कोर्स है, और दिस कोर्स आपको बाकी नॉन टेट एग्जाम में भी हेल्प कर सकता है आराम से। लास्ट ईयर 43+ टेस्ट मुंबई से कॉल्स थी सारे कोर्सेज मिला के, ठीक है, ओ डी सी एल और एच आर एम अगर मिला तो मेरे ख्याल से 15+ कॉल्स थी, ठीक है। तो बस वही है कि नया बैच 23 जुलाई से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आपका पूरा जूम पे क्लासेस होंगी, दो फैकल्टीज रहेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, सारा प्रैक्टिस शीट थ्योरी हैंडआउट्स, जीके फॉर एमबीए डेडिकेटेड जीके कोर्स होता है और टेस्ट सीरीज होती है। सो गाइस ये डिटेल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार, ठीक है, 23 जुलाई को बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बार डिटेल्स आप देख लो, लाइव जूम क्लासेस 80+ लाइव जूम एल आर बी आर सी की, थ्योरी हैंडआउट्स, जीके फॉर एमबीए पोर्टल, 60+ टेलीग्राम सेशंस होते हैं जीके के, जीके के लिए देखो इट इज मोर अबाउट रटने वाला काम, कोई लाइव क्लास नहीं होती इसके, बट इसके प्रैक्टिस सेशन होते हैं जीके के, अभी एटलीस्ट 2 डेज ए वीक होंगे बट बाद में बढ़ेंगे। पेटीएम कॉन्टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज पेटीएम कॉन्टेस्ट क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ ए क्विज, जिसका आपको पहले सिलेबस मिलता है और आपका टेस्ट होता है 15 क्वेश्चन का, जो टॉप 2 में आता है उसको 50 रुपीज कैशबैक मिलता है, तो ये आपका पेटीएम कॉन्टेस्ट होता है। आपको 700+ टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, क्वांट्स एलआर बीआर बीआर से मिला के आपका एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए होते हैं, 10 फुल लेंथ डिसनेट एंड डिसमेट मॉक्स होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस और पास पेपर्स के, नॉट ओनली फ्रॉम डिसनेट बट ऑल्सो फ्रॉम अदर ओमेट्स, ठीक है। और आपका जीडीपीआई प्रिपरेशन भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, डैफ रिव्यू, लाइव जूम, जीडी सेशन सब होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जीडीपीआई भी हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोग कोई कोर्स अलग से नहीं लॉन्च किया बट इसमें इंक्लूडेड है।
सो गाइस इसका फाइनली अ बैच 23 स्टार्ट हो रहा है और प्राइस एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, 5500 इज नथिंग व्हाट यू आर गेटिंग। अच्छे से करोगे कोई चांस ही नहीं ना निकले, ठीक है। बाकी गाइस इस बार रिजल्ट्स आप देख सकते हो खुद, टेस्ट के रिजल्ट्स हैं इस बार के, ठीक है। कोई क्वेरी हो गाइस यू कैन व्हाट्सएप या दिस नंबर, आप यहाँ पे व्हाट्सएप करो, आपको ब्रोशर सारे डेमो वीडियोस डिटेल से भेजेंगे और सही टाइम पे स्टार्ट करो, स्ट्रक्चर बनाने में करो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का एक नॉन कैट कोर्स भी है, नॉन कैट कोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज, तो एक तरह का ये पास है, एक बार ले लिया अभी से लेकर अगले साल तक कोई भी एग्जाम हो नॉन कैट का, सबका वो कोर्स है, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका GDPI प्लस हार्ड कॉपी बुक्स घर में आएंगी, उसकी कॉस्ट 10,000 है, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है बिकॉज उसमें आपको सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, कोई आपका रोका नहीं जाएगा किसी चीज़ के। तो इनकेस अगर आपको सारे एग्जाम्स देने तो नॉन कैट कोर्स भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी टेस्ट तो हम लोग का स्टार्ट हो ही रहा है। चलो गाइस, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।